आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ आज हम हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करने की दिव्य शक्ति जो विभिन्न प्रकार के मेहनत से भी प्राप्त नहीं हो रही है, उस अलौकिक दिव्य शक्ति को प्राप्त करने का बहुत ही सरल उपाय जो शास्त्रों में गुरुओं ने दिव्य रूप से गुप्त रूप से बताया है, ऐसे दिव्य उपाय के बारे में जानेंगे। पीढ़ियों दर पीढ़ियों से कई लोगों को कुलदेवी का पता ही नहीं चलता। जब पता चलता है कि हमारे कुलदेवता ये हैं, जब तक तो वो कुलदेवता की पूजा नहीं करने का बहुत सारा दोष एकत्रित हो जाता है। कई लोग घर में देवी देवता बैठाए होते हैं लेकिन उनकी पूजा या तो असमय में होती है, किन देवता की कब पूजा करना ये ज्ञान नहीं होता है, और अगर ज्ञान है तो भी कभी कभी भाई आज संडे है, घूमने जाएंगे, आज पार्टी में जाएंगे, आज शादी में जाएंगे, आज होटल में जाएंगे, ऐसे करते सबसे पहले अगर किसी का अगर हम तिरस्कार करते हैं तो वो सबसे पहले घर के देवता का है। हमको छुट्टियां आ गई गर्मी की, 15 दिन हम सिंगापुर घूमने जाएंगे, हम ऊटी घूमने जाएंगे, जो जाने वाले कोई देवता को घर से लेके साथ नहीं घूमते, ताला दे देते हैं। घर के देवता घर में ताले में बैठ के बैठे बैठे सोचते हैं हम कोई अपराधी तो नहीं है जो इसने मेरे को जेल में डाल दिया। ऐसे विभिन्न प्रकार के दोषों से एक व्यक्ति दुखी होता है और कोई भी कर्म करता है तो वो कर्म खींचता चला जाता है, सफल नहीं होता है। इसका मुख्य कारण घर में रहे हुए देवों का विभिन्न प्रकार का दोष, पूजा समय पर नहीं किया या पूजा ही नहीं किया या कई पीढ़ियों से आराध्य देवों का हता पता नहीं चला। कुल देवताओं की आराधना में विभिन्न कुल देवताओं को विभिन्न प्रकार से रिझाया जाता है। कोई कुल देवता का भोग कुछ होता है, कोई कुल देवता का भोग कुछ होता है, लेकिन जो ना समझते हैं वो हर दम दिया धूप करके कुछ ना कुछ करते बैठे रहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं होने से भी वो नाराज होते हैं। मेरे पास कई लोग आके पूछते हैं कि गुरुदेव व्यापार नहीं चल रहा है, काम नहीं चल रहा है, कुछ भी करूं तो तकलीफ है, घर में बहुत परेशानी है, घर में हरदम क्लेश होता रहता है, झगड़ा होता रहता है, कई प्रकार की तकलीफें, मानसिक परेशानियां, उदारी संकट कोर्ट केस कई प्रकार की बातें बताते हैं। जब मैं उनका चेहरा देखता हूँ तो सीधा दिखता है कि इस पर देवों का प्रकोप हो चुका है, इसको देवों का दोष हो चुका है। घर में आराधना सटीक नहीं करने से जो होना चाहिए वो सभी प्रकार के संकट इसके सिर पर उपस्थित हो गए हैं। कई लोग तो पीढ़ियों से पूजा ही नहीं करते और कई करें तो ऐसे करें कि उनको जब समय मिले वैसे करें। खाना व्यक्ति भूख लगे तब खाता है, पानी प्यास लगे तब पीता है, नींद आवे तब सोता है, लेकिन पूजा उसकी मर्जी आए तब करता है। यही सबसे बड़ा दुख है और इस दुख का आज एक ऐसा सरल निवारण बताऊंगा, सरल समाधान बताऊंगा, जिस समाधान को करने के बाद घर में दीपक जलाओगे तो भी देवता दौड़े आएंगे, घर में पूजा करे तो दौड़ के आएंगे। आपके दीपक से देवता दौड़ के नहीं आते, आपके उनके प्रति जो श्रद्धा है उससे देवता दौड़ के आते हैं। कई लोगों ने विभिन्न प्रकार की जो गलतियां की उसके कारण देवता कुपित होकर उस घर में निवास ही नहीं करते। निवास नहीं करने वाले देवताओं को निवास करवाने, कुपित देवताओं को प्रसन्न करने, दोष को निर्दोष करने, घर को सुखी करने, ये एक सरल उपाय है। जिसको कर लें तो सटीक रूप से निश्चित रूप से उस घर में आनंद परमानंद महानंद और दिव्यानंद प्रकट होके आ जाएगा। ऐसे परम आनंद को प्रकट करने वाला उपाय है, अमावस्या का दिन हो, शाम के सूर्यास्त के बाद 7:30 या 8 बजे के पहले एक मट्टी की थाली में, मिट्टी की थाली, छोटी सी मिट्टी की बर्तन की थाली हो, और उस थाली में बिल्व पत्र, बेल पत्र जिसको आप कहते हैं, नीम के पत्ते और तुलसी के पत्ते मुट्ठी भर भर के समान मात्रा में तीनों को एक साथ मिला के उस थाली में भर दें, और उस थाली में, मिट्टी की थाली में नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता, बेल का पत्ता तीनों मिला के भरने के बाद
उसके ऊपर एक मिट्टी का तिल के तेल के दीपक को, जिसके अंदर लाल रंग की बाती डाली हो, लाल डोरे से बनी हो या ऐसे लाल नाड़े से बनी हो, एक लाल डोरे की बत्ती डाल दें और उस तिल के दीपक को उस अमावस के संध्या के समय में उस थाली में रख के, जिसमें हमने नीम तुलसी का पत्ता और बेल पत्र डाला, उसमें बीचों बीच ये दीपक रख दें और अपने घर के पूजा कमरे में एक लकड़ी का पाट बिछा दें, उसके ऊपर ये रख के अपने देव जहाँ बैठे उनके सम्मुख ये जल सकें ऐसे जला दें। वो पूरी तरह जलें और रात भर भले ही वो दीपक बुझने के बाद भी वो थाली वहीं रहें, जब जलता रहें वहाँ बैठ के, मेरे घर के कुल देवता प्रसन्न हो, मेरे घर के देवता प्रसन्न हो, मेरे घर के हर कर्म में सफलता मिले, हमारे पूर्व पीढ़ियों में कोई पूजा में गलती हुई हो, हमारे परिवार के पितरों में कोई गलती किए हो या हमने गलती किया हो, तो सब दोष मिट जाएं, सभी प्रकार से घर में सुख शांति प्रकट हो जाएं, आनंद प्रकट हो जाएं, ऐसे 3 बार प्रार्थना करके सभी देवताओं को वहाँ निवास करने के लिए विनंती करके अगले दिन सुबह इस थाली को उस दीपक के साथ, उन पत्तों के साथ, पत्तियों के साथ, कहीं पानी बहता आपके घर के पास हो, नदी हो तो वहाँ छोड़ दें, नहीं तो दूर जाके एक शुद्ध जगह जहाँ किसी का पैर नहीं लगता हो, किसी वृक्ष के छाया में या कहीं एकांत जगह में रख के आ जाएं। ऐसे 3 अमावस करने के बाद आपका कोई भी काम बंद हो, कोई भी काम रुका हुआ हो, कोई भी वस्तु तकलीफ दे रही हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रकार का संकट हो, देवता ऐसे प्रसन्न होंगे जो आपकी गाड़ी घोड़े गाड़ी की तरह चल रही थी वो गाड़ी सुपर फास्ट फ्लाइट की तरह चलने लगेगी और जीवन सफल हो जाएगा। तो ये बहुत ही सरल उपाय आपको दिखेगा, लेकिन ये गुप्त उपाय हमारे गुरु परंपरा में रहस्यमय रूप से बताई गई उपाय, जिसमें बेलपत्र पुरुष और शंकर का शक्ति, तुलसी विष्णु का और प्रकृति की शक्ति, नीम भगवती की महाशक्ति, जब तीनों शक्ति एकत्रित होती है उस जगह कैसा भी दोष हो, देव दोष, पितृ दोष, गुरु दोष, भूत दोष, समस्त दोषों का निराकरण हो जाए और सकल मंगलकारी आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, वो घर देवताओं के आशीर्वाद से हरा भरा हो जाए, ऐसे दिव्य क्रिया को आप करके अपने जीवन को सफल बनाएं और घर में देवता की दिव्य आशीर्वाद और सानिध्य से सदा आनंद मंगल प्राप्त करें। यही मंगल कामना के साथ टॉट योगा में आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही मंगल कामना।